पद्मावत की रिलीज से एक दिन पहले अहमदाबाद में करनी सेना का तांडव, मॉल के बाहर 50 वाहनों में लगाई आग। करनी सेना के करीब 2000 लोगों ने मंगलवार शाम हिमालयन मॉल पर बोला धावा, तोड़फोड़ के बाद मॉल के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंका। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग, आंसू गैस के गोले भी दागे। अहमदाबाद के थलतेज इलाके में भी करनी सेना के लोगों का कोहराम, मल्टीप्लेक्स के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। अहमदाबाद के वस्त्रापुर में भी करनी सेना का हिंसक आंदोलन, कई वाहनों को आग के हवाले किया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा हिंसा में शामिल हो लोगों को होगी कड़ी कार्रवाई, अब तक 30 लोग हिरासत में। पद्मावत के विरोध में राजस्थान के सीकर में तलवार लेकर सड़क पर उतरी राजपूत समाज की महिलाएं, कहा नहीं होने देंगे फिल्म की रिलीज। चित्तौड़गढ़ में पद्मावत की रिलीज पर राजपूत समाज की महिलाओं ने दी जौहर की धमकी, पीएम और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु। मध्य प्रदेश में भी पद्मावत पर जंग जारी, खरगोन में थिएटर के बाहर करनी सेना के लोगों ने भंसाली का फूंका पुतला। बाराबंकी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पद्मावत के खिलाफ खोला मोर्चा, फिल्म रिलीज होने पर हिंसा की धमकी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी, देर रात दिल्ली पहुंचे। दावोस में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने पेश की भारत की तस्वीर, अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। अपने संबोधन में मोदी ने दुनिया के सामने तीन बड़ी चुनौतियों का किया जिक्र, बोले जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और संरक्षणवाद, तीन बड़ी चुनौतियां। मोदी ने दुनिया तक पहुंचाया संदेश, का स्वास्थ्य समृद्धि शांति के लिए भारत आए। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर आप वेल्थ के साथ वेलनेस चाहते हैं, इफ यू वांट वेलनेस, भारत में आइए। आरजेडी मुखिया लालू के लिए फिर नई मुसीबत, आज सीबीआई की विशेष अदालत चारा घोटाले के तीसरे मामले में सुना सकती है फैसला। आज दिल्ली हाईकोर्ट में आपके अयोग्य विधायकों की नई याचिका पर सुनवाई, सदस्यता रद्द करने के फैसले को दी है चुनौती। बीजेपी शिवसेना के रिश्तों में और बड़ी दरार, उद्धव ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की खाई कसम, फडणवीस का तंज, हमें तो धमकियों की पड़ी आदत। केरल में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के खिलाफ कांग्रेस के एससीएसटी विंग का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।